अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माई व्यूवर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे मैं आपका टीचर फ़िजिक्स कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वलीद खान आज के लाइव सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक चैप्टर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो तमाम टॉपिक्स जो कि आपके एम डी कैट एग्ज़ाम के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप उन टॉपिक्स को पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से तमाम के तमाम एम सी क्यूज इस टॉपिक से रेलिवेंट सॉल्व कर सकते हैं तो आए चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को देखें जो हमारे पास ये जो हीट एंड है, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इसमें जो सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक है वो है हीट एंड टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस वैसे तो हम लोग इसको एस सी बी या जो दूसरे बोर्ड्स हैं मतलब फेडरल बोर्ड या के पी के बोर्ड या हमारा सिंह बोर्ड उसमें हीट और टेम्परेचर को अलग अलग तरीकों से डिस्कस किया है मतलब पहले सबसे पहले हीट को वाजे किया है देन टेम्परेचर को हम एक काम करते हैं हम अपने लाइव सेशन के अंदर इन दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंसेस तो हमें इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिविजुअली पता भी चलते रहेंगे और इसके दरमियान डिफरेंस भी मालूम होता रहेगा तो देखें जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो है हीट और टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस हीट आपके पास क्या है बेसिकली हीट है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है हीट आपके पास एक एनर्जी की फॉर्म है विच इज ट्रांसफर्ड थ्रू द थर्मल कंडक्शन जो कि ट्रांसफर होती है कुछ मैथड्स के जरिए कुछ कन्वेक्शन कुछ कंडक्शन और रेडिएशन के थ्रू ठीक है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास हीट एनर्जी है वो कंडक्शन से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती है या जो आपके पास हीट एनर्जी है वो ट्रांजिशन है ठीक है एनर्जी का फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ठीक है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इसके अलावा मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं हीट के बारे में जो हीट बेसिकली आप सो कह सकते हैं हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओके अच्छा इसके अलावा हीट की कुछ यूनिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं हीट की जो आपके पास यूनिट्स हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं? हाँ भी स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं क्या मुझे बता सकते हैं कि हीट की यूनिट क्या क्या होगी अब देखिये मैं आपको हिंट देता हूं हीट आपके पास बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है तो हीट की जो यूनिट है वो आपके पास क्या हुई जूल ठीक है इसके अलावा कैलोरीज़ या कैलोरी भी कह सकते हैं और बी ठीक है बी स्टैंड्स स्टैंड फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये इसकी एब्रीवेशन है ओके दिस इज जूल दिस इज कैलोरी दिस इज बीटीयू अगर हम बात करें वन कैलोरीज में फोर पॉइंट वन एट जूल्स होते हैं इसके अलावा वन बी टी यू में वन बी टी यू इज एक डबल फाइव पॉइंट फाइव जूल्स ये आपके पास क्या है कन्वर्जन है ताकि आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि एक कैलोरीज को गैदर करने के लिए आपने कितने जूल्स रिक्वायर्ड होते हैं फोर पॉइंट वन एट जूल्स रिक्वायर्ड होते हैं और एक बी को गैदर करने के लिए कितने जूल्स रिक्वायर्ड है वन थाउजेंड एंड जूल्स ठीक है तो यहां से हमें एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन सी है सबसे इन तीनों में से जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है आपकी जूल ठीक है देन उससे जो बिगर है वो आपके पास क्या है कैलोरी और सबसे जो बड़ी यूनिट है हीट की वो आपके पास क्या होगी बी टी यू, ठीक है ये कुछ यूनिट्स आ गई अब आते हैं टेम्परेचर पर टेम्परेचर क्या टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट एरिया बॉडी और सब्सटेंस गिव्स ऑफ और एब्जॉर्ब देखें बेसिकली टेम्परेचर आपके पास क्या होती है कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि बॉडी या तो अपने अंदर से निकालती है या अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है या आप आम अल्फाज में टेम्परेचर को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज द या टेम्परेचर शोज द कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ अ बॉडी शोज द इंटेंसिटी ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ठीक है ये हीट की ये टेम्परेचर की डेफिनेशन अच्छा टेम्परेचर की डेफिनेशन के अंदर एक और मैं अर्ज करूंगा जो कि हो सकता है कि उसमें आ यहां पे लिखा हुआ है कि हीट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेम्परेचर में थोड़ा सा इसको अगर हम चेंज करें तो टेम्परेचर की डेफिनेशन ये भी बन सकती है टेम्परेचर इज देशर शोज द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ठीक है तो ये डिफरेंस है तो ये डिफरेंस हमें अपने ध्यान में रखना है कि अगर आप एवरेज इंटरनल एनर्जी को अगर आप इनकॉपरेट करो तो उससे आपको क्या पता चलता है पूरे सिस्टम का टेम्परेचर और तमाम की तमाम इंटरनल एनर्जीज़ को सम करें तो आपके पास क्या चीज आ जाती है हीट एनर्जी ओके नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर टेम्परेचर की टेम्परेचर थर्मोडाइनिकल्सियस okay? <coughs> so, the uh, और एक आपके पास है डिग्री फेरनाइट ओके ये तीन यूनिट आपके पास इंपॉर्टेंट है जो कि यह समझ लें कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो इसके अलावा एक और आपके पास यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं रैनकाइन आइडिया हमें होना चाहिए कि रैनकाइन आपके पास यहां पर किसकी यूनिट है बिकॉज पेपर में एमसीक्यू में सवाल आ सकता है कि रैनकाइन इज एट ऑफ इसके अलावा वैसे इससे रिलेवेंट और कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रैंकाइन आपके पास एक टेम्परेचर की यूनिट है ओके जी यस अनिस अनिसा ने सवाल किया कि जूल क्या यूनिट है हीट की येस देखिए बेटा तो यहां पे लिखा हुआ है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो आप खुद सोचें कि एनर्जी की जो यूनिट्स होती हैं उसमें जूल भी होती है ठीक है तो यहां पे जो एनर्जी की यूनिट है वह आप हीट की वह आप यहां पे जूल्स देखोगे ओके अगर आपने कन्वर्जन करनी है सेल्सियस को कैलविन के अंदर तो आप डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू में क्या ऐड करवाएंगे टू सेवेंटी थ्री पॉइंट

से माइनस कराओगे थर्टी टू मल्टीप्लाई कराओगे फाइव से और डिवाइड कराओगे देन से तो जो आंसर आएगा फाइनली वो आपके पास क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस का सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर ओके ओके एक स्टूडेंट का सवाल है अब्दुल कादिर का व्हाट व्हाट वुड बी वेलोसिटी या वेलोसिटी द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी न्यूमेरिकली इक्वल ठीक है uh, वैसे अब्दुल कादिर ये आपके पास जो uh, चैप्टर चल रहा है ये हमारे पास है रिगार्डिंग द थर्मोडाइनमिक्स सो एट द एंड ऑफ सेशन मैं इनशाला इसके ऊपर लास्ट आपको वो दूंगा इसका आंसर ठीक है आपने बस ये पूछा है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होंगे श्योरली आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर अब हम आगे बढ़ते हैं द गैस लॉस देखिए अगर हम गैस लॉस की बात करें तो गैस लॉस को पढ़ना लाजमी है क्यों बिकॉज यहाँ पर एक ट्रांजिशन हमें मिलती है ठीक है जब आपके पास मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं करीब आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ हमें चेंजिंग देखने को मिलती है तो उसके लिए हमें गैस लॉस को पढ़ना लाजमी है ताकि हमें ये पता चले कि कौन से फैक्टर को चेंज किया जाए और उसका अफेक्ट हमारे पास कौन से फैक्टर पर पड़ेगा वह आपके पास कुछ तीन फैक्टर्स हैं जो कि आपने फिजिक्स में देखें एक प्रेशर एक वॉल्यूम और एक आपके पास क्या है टेम्परेचर ओके okay? तो गैस लॉस के अंदर जो सिर्फ हम दो लॉस डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या है एक बॉल्स लॉ और एक चार्ल्स लॉ स्टूडेंट ये सवाल करता है कि सर ये बताएं कि हम लोगों ने अपनी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि एवागार्डो लॉ भी कुछ होता है इसके अलावा सर हमने बहुत सारे लॉस पढ़े तो देखिए उसका एक मैं आपको इजी सवाल का इसका जवाब दे दूं कि बेसिकली हमारे पास जो फिजिक्स है वो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं मास नंबर ऑफ मोल्स यूज नहीं करते और अगर हम बात करें लॉ की तो लॉ के अंदर हमें रिलेशनशिप मिलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली हमारे पास डीलिंग नहीं होती इन फिजिक्स फिजिक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं मास की ठीक है तो इसीलिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है साइंस के अंदर बल्कि है लेकिन हम लोग जो मिल डिस्कस करते हैं वो करते हैं बॉल स्लो को और चार्ल्स लॉ को ठीक है अब स्टूडेंट्स जरा मुझे बताएं सारे स्टूडेंट्स कि बॉल स्टॉक की कंडीशन क्या होती है बॉल स्लॉ हमें यह कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अच्छा इसके अलावा मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं ये बॉल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ये बेसिकली अप्लाई होते हैं किसके ऊपर आइडियल गैसेस पर ठीक है और कोई स्टूडेंट क्या है कि सर दुनिया के अंदर कोई चीज आइडियल गैस नहीं होती लेकिन ऐसी कौन सी गैसेस हैं जो कि आइडियल बिहेवियर रखती हैं तो आए जरा मैं आपको उनकी कुछ एग्जाम्पल दे दू एक आपके पास हाइड्रोजन गैस और एक आपके पास हीलियम गैस ये बेसिकली कुछ सर्टेन कंडीशंस पे एज अ आइडियल बिहेवियर शो करती हैं लेकिन ये कंप्लीटली आइडियल नेचर नहीं रखती लेकिन अगर आपके पास MCQs में एमसी है आइडियल नेचर इन सर्टिंग कंडीशन आपके पास अप्रोप्रिएट ऑप्शन हैं ठीक है अगर ये दोनों आएंगे तो एक आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा बोथ ए एंड बी तो आप बोथ ए एंड बी के ऊपर टिक कर लीजिएगा वापसी आते हैं बॉल्स लॉ की तरफ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लेकिन कॉन्स्टेंट क्या करना पड़ेगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो इसका मतलब यहां पे यह है कि आप लोगों ने थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर एक एप्लीकेशन पढ़ी थी जिसके अंदर टेम्परेचर फिक्स रहता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है अब वो क्या चीज़ है वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसके अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है जी स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ इसके बारे में आइडिया दे दूं एक आपने पढ़ा था आइसोबैरिक एक पढ़ा था आइसोकोरिक एक आइसोथर्मल और चौथा आपने पढ़ा था एडियोबैटिक तो इन चार में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कॉन्सटेंट रहता है एनी गैसेस होपफुली क्या आप लोगों ने जवाब दिया होगा एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है वो आपके पास क्या होता है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस तो बेसिकली जो बॉल्स लॉ है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं आइसोथर्मल कंडीशन आइसोथर्मल कंडीशन कैन बी अप्लाइड ओके इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर इसकी एक जनरल इक्वेशन बनाए

तो ये आपके पास काम की इक्वेशन है अगर आपके पास इन चार वैल्यूज में से कोई तीन वैल्यूज अवेलेबल हो और फोर्थ आपके पास अन अवेलेबल हो तो आप इसको मालूम कर सकते हैं ओके ओके परवेज ने सवाल किया सर एन के बारे में कुछ थोड़ा सा गाइड करें देखें बेटा बेसिकली होता यहाँ पे यह है कि जब आप किसी बॉयलर पे काम कर रहे हो तो मतलब बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी जगहें भी हैं कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जहाँ पे स्टीम इंजनस बॉयलर यूज होते हैं ठीक है तो वहां पे आप लोग जो टेम्परेचर की यूनिट यूज करते हो वहाँ पे हम उसका एक एक, uh, उस so, आप बहुत सारी जगहों पर जो टेम्परेचर की यूनिट है आप रेनकाइन यूज करते हो ठीक है सो दिस इज जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिपल बैकग्राउंड ऑफ द रनकाइन ओके वापसी आते हैं बॉल्सलॉ के ऊपर देखिए अगर हम बॉल स्टॉक की बात करें और ग्राफ प्लॉट करें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन तो हमारे पास हमेशा जो कर्व आएगा वो आएगा हाइपरबॉलिक कर्व ओके इसके अलावा अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वॉल्यूम और वन ओवर पी के बिटवीन तो हमारे पास एक आएगी स्ट्रेट इस लाइन इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है स्टूडेंट्स ने बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान एक हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है ये बात याद रखिएगा मैंने अपने पिछले लाइव सेशंस के अंदर भी बात बताई थी कि अगर एक क्वान्टिटी बढ़ी और दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े मतलब दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं तो ग्राफ बनता है आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन लेकिन अगर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनता है कर्व लाइन ठीक है तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटीज हैं तो यहां पर यह आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कर्व कर्व पाथ बनेंगे ठीक है अच्छा अब स्टूडेंट सवाल करेगा सर ये आपने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाइए तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान नहीं है ये ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस वन अपॉन प्रेशर के दरमियान तो जो आपके पास कर्व लाइन है वो आपके पास क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी ओके अब आते हैं चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या चार्ल्स लॉ बेसिकली हमें यह बताता है चार्ल्स लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ओके एंड ऑलविज द नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट ऑफ द गैस शुड बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो हम लोग यहाँ पे ये भी कोट कर सकते हैं लेकिन जो सबसे स्पेसिफिक जो आपके पास जो इसका जो रिलेशन है वो क्या है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ठीक है दट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टूम एब्सल्यूट टेम्परेचर कि अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बढ़ाते रहो तो वॉल्यूम भी गैस का बढ़ता रहेगा ओके लेकिन प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा स्टूडेंट क्या रखना पड़ेगा प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा ओके ठीक है अब सवाल ये रेज होता है कि सर ये टेम्परेचर का क्या होगा तो देखें इसको हम ग्राफ से समझेंगे कि exactly अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो इजीक्वस टू का साइन आएगा और आपके पास क्या कॉन्स्टेंट के और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टी ओके okay? और उसके बाद टी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा डिवाइड सो इट विल बिकम वी ओवर टी इज इक्वल्स टू के अगर आप इसको दो स्टेट के लिए कन्वर्ट करें, इट विल बिकम वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू के और आपके पास बनेगा वी टू ओवर टी टू इज इक्वल टू के इन दोनों क्वेश्चन को आफ्टर कंपेरिजन हमारे पास अगर हम करवाएं आफ्टर कंपैरिजन, सो वॉट आई गेट आई गेट वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू यस वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू ओके यह आपके पास इक्वेशन बन गई जनरल इक्वेशन ओके सो वी वन ओवर टी वनवी टू ओवर टी टू यह आपके पास एक इक्वेशन है इसमें चार आपके पास अनोन है और जो चार आपके पास अनोन है वो हम यहां पे क्या करेंगे इसमें से कोई तीन हमारे पास नोन होंगे एक हमारे पास अनोन होगा हम यहां पे रखेंगे और हमारे पास यहां पर आंसर आ जाएगा ठीक है ओके okay. अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ के ग्राफ पर ओके okay. चार्ल्स लॉ का जो आपके पास ग्राफ है चार्ल्स लॉ में के ग्राफ में जो सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो आपके पास क्या है वॉल्यूम और टेम्परेचर अब अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान अगर यहां पे रिलेशन देखें तो वो डायरेक्ट है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स ग्राफ कैसा बनना चाहिए ग्राफ बनना चाहिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ठीक है अच्छा अब हम जब स्ट्रेट लाइन को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये ग्राफ नीचे आके इंटरसेक्ट करता है इस एक्स एक्सिस को ठीक है तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर आपके पास ये लाइन एंड हो रही है इस पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस अब वो सिग्निफिकेंस क्या है कि इस पॉइंट पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा जीरो गैस का और जो टेम्परेचर मिलेगा आपको इस पॉइंट पर वो आपके पास क्या कहलाता है एप्सुल्यूट टेम्परेचर यहां से लेकर यहां तक जो कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू है याद रखिएगा कि जो आपके पास टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव ठीक है और इसकी वैल्यू हम क्या यूज करते हैं जीरो कैल ठीक है या इसके अलावा माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स या वन फाइव डिग्री सेल्सियस which is equals to minus 459.6 degree fahrenheit okay तो ये तीनों आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यूज हैं लेकिन अलग अलग यूनिट्स के अंदर कभी कभार स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा जो कैट का जो आपके पास टेस्ट बनता है हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जा सके कि वो, वो, विच इज़ द वैल्यू ऑफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वो फिर आपको सेल्सियस में नहीं कैलविन में नहीं वो आपको बल्कि फेन के अंदर वैल्यूज हैं तो फिर स्टूडेंट वहाँ पर कंफ्यूज होता है तो लास्ट में यह बात याद रखनी है कि जो फेर की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है माइनस का फोर 459.6 डिग्री फेन हाइट ओके ओके, okay. कुछ ही कपल ऑफ वीक्स के अंदर उसके अंदर ये वाले जो टॉपिक्स हैं लाजमी हमें डिस्कस करने हैं ताकि आपके जो नस यूनिवर्सिटी का और इसके अलावा जो आपके पास जो टेस्ट के जो टॉपिक्स हैं वो लाजमी इसमें हम लोग कवर करेंगे और आपके इन शाला वो टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज में आपका होगा और इनशाला मेरी हेल्प आपके साथ रहेगी ठीक है तो लाजमी मकसद और उसके लाइव सेशन को आपने कभी भी छोड़ना नहीं है जो आपके पास अभी लाइव सेशन आगे होंगे उसको भी आपने कंटिन्यूसली लेना है उसमें इनशाला वाली बात डिस्कस की जाएगी आपके ई कैट प्रिपरेशन में ओके अनसर uh, हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज हमारे पास हर टॉपिक के साथ साथ मैंने रखे हैं तो इनशाला नजर आएगा यहां पे ठीक है ओके okay. ओके okay, ये देखें सबसे पहले एमसीक्यू आज की क्लास का एट वॉट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट जीरो डिग्री सेल्सियस बिकम्स ट्रिपल जी स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज का जवाब देगा एट वॉट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट जीरो डिग्री सेल्सियस बिकम स्ट्रिपल एक ऐसा टेम्परेचर बताइए जिसमें आइडियल गैस का टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वो क्या हो जाए ट्रिपल हो जाए तो आए इसको जरा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक इक्वेशन पढ़ी थी इक्वेशन समझी थी इक्वेशन ड्राइव की थी वी ओवर टी इज इक्वल टू वी ओवर टी ओके अब इस सवाल के अंदर जो हमारे पास मेनली कंसर्न जो है वो है वॉल्यूम का और टेम्परेचर का तो हम यहां पे ये इक्वेशन यूज करेंगे वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू ओके अच्छा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमेशा किसके अंदर रखा जाएगा कैलविन के अंदर हमेशा किसके अंदर रखा जाएगा कैलविन के अंदर रखा जाएगा तो तमाम स्टूडेंट्स ने लाजमी ये वाली बात याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है वो आपके पास किसके अंदर आएगा कैलविन के अंदर, अंदर. सेल्सियस में नहीं रखना ओके जुलकंड आई विल आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स इनशाला ताला सोन आफ्टर दिस टॉपिक ओके सो यू हैव टू कीप इन टच विद द लाइफ सेशन एंड द मकसद ओके okay? सो एट वॉट टेम्परेचर वापसी आते हैं एट वॉट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट जीरो डिग्री सेल्सियस बिकम्स ट्रिपल तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो जीरो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है कैलविन में एंड एज यू नो जीरो बराबर होता है टू सेवेंटी थ्री कैलविन के अगर हम राउंड अप कर लें ठीक है हम इनिशियल वॉल्यूम को ले लेते हैं वी वन ठीक है और जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है उसको हम कह लेते हैं या कह सकते हैं कि वी टू इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ वी वन अच्छा ये सवाल के अंदर कंडीशन गिवन है एट वॉट टेम्परेचर तो हमें टेम्परेचर निकालना है टी टू इनिशियल वॉल्यूम हमने ले लिया वी वन और जो टेम्परेचर हमारे पास था वो क्या था टू सेवनटी थ्री कैलवे और अगर वॉल्यूम हमारे पास थ्राइस हो जाए मतलब थ्री वी वन हो जाए तो बताइए टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा ओके तो हा इसको जरा सॉल्व करते हैं हमारे पास कुछ इक्वेशन ये बनेगी वी वन आपके पास एज इट इज रहेगा वी वन में टी वन की वैल्यू है टू सेवनटी थ्री इज इक्वल्स टू वी टू की वैल्यू हमारे पास क्या है थ्री वी वन टी टू ये वी वन से वी वन क्या हो जाएगा कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप सो टी टू मल्टीप्लाई होगा वन से तो आंसर क्या आ जाएगा टी टू इज इक्वल टू टू सेवन थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री अब स्टूडेंट कहता है सर ये तो बहुत मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं है आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है इसको मल्टीप्लाई कराने से देखते हैं आंसर क्या आता है थ्री इंटू थ्री नाइन थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन थ्री टू टू सिक्स थ्री टाइम्स टू सिक्स प्लस टू इट्स एट वन नाइन कैलविन में ही नहीं है बिल्कुल नहीं है तो आपने कैलविन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो आप क्या करोगे जल्दी से माइनस करवा दोगे टू सेवनटी थ्री में से इसको अपनी वैल्यू को माइनस करवा देंगे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए टू सेवनटी थ्री में से तो आंसर चेक करते हैं देखते हैं क्या आंसर आता है इट विल इटव सिक्स कैरी लेंगे सो इट विल बिकम फोर एंड इट विल बिकम फाइव सो द आंसर इज फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके अब आते हैं काइनेटिक मॉलिकुलर थ्यूरी एंड गैसेस के ऊपर इसके कुछ पॉस्टूलेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स को लाजमी बिल्कुल फोकस रखना है काइनेटिक मॉलिकुलर थ्यूरी ऑफ गैसेस पर इसी कुछ अजम्पन्स हैं पार गैस पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन जो आपके पास गैस पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंट एक रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करते हैं या मूव कर रहे होते हैं ठीक है इसके अलावा पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ ग्रेट डिस्टेंस पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है बहुत ज्यादा वाइड होता है ठीक है इसके अलावा कोलिजनस आर रेपिड एंड इलास्टिक कोलिजन आपके पास मुसलसल हो रही होती है और आपके पास क्या होती है इलास्टिक कोलिजन होती है आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स जो कोल्यूजन होती है के between, या जो मॉलिक्यूल्स uh, और सिलेंडर के दरमियान वो आपके पास क्या होती है परफेक्टली इलास्टिक इसका मतलब यह है कि आपके पास यहां पर जो इलास्टिक कोल्यूजन है उसके कॉन्सेप्ट यहां पर आप यूज कर सकते हो ठीक है नो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स अच्छा नो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल्स बहुत दूर होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगी ओके और इसके अलावा जो आपके पास फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक है ये काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी या के एम टी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं रिगार्डिंग द गैसेस अब हम बात करते हैं कुछ एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है थ्री अपॉन टू के टी स्टूडेंट्स इसको लाजमी लिखना है समझना है दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी और जो कि किसके बराबर होती है थ्री ओवर टू के टी के एंड वॉट इज के के इज द बोल्ड्समैन कॉन्स्टेंट और ये बोल्ड्समैन कॉन्स्टेंट किसके बराबर होता है आर डिवाइडेड बाय एन एंड एज यू नो आर इज द जनरल गैस कॉन्स्टेंट एंड एन इज द एबगार्डो नंबर और ये बात हमें पता है कि अगर अगर हम यहां पर बॉल्सलो और लॉ को कंबाइन करते हैं यह भी जो हमने पढ़ा तो इन तमाम गैस लॉस को कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन बनती है जनरल गैस इक्वेशन वो यहां पे मैं आप लोगों के लिए, लिए लिख देता हूं ताकि आपके जहन में रहे कि पी वी इज इक्वल्स टू एनआर टी ये आपके पास इक्वेशन आपने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर केमिस्ट्री में अपनी मैट्रिक क्लास की फिजिक्स में पढ़ी होगी ठीक है सो पी प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स

तो ये आपके पास एक मॉडिफाइड फॉर्मुला है जनरल गैस इक्वेशन का ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पास इससे रिलेवेंट कोई भी एमसीक्यू बन सकता है तो ये हमने डिस्कस कर लिया सो इट वुड बी परफेक्ट फॉर यू ठीक है अच्छा जी वापसी आते हैं ये जो हमारे पास टी है ये आपके पास क्या कहलाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर या हमारे पास क्या कहलाएगा टेम्परेचर इसके अलावा यहां पे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मजीद थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो एमसीक्यूज में सवाल आता है स्टूडेंट्स तमाम स्टूडेंट्स ने एक ये वाली बात याद रखनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ बराबर होती है थ्री अपॉन टू के टी के और आपके पास यहां पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर पूछा जाए तो वो बराबर होता है थ्री अपॉन टू आर टी के ठीक है तो ये दोनों में फर्क है तमाम स्टूडेंट्स को अपने पास लिख सकते हैं अगर आपके पास ऐसा एमसीक्यू बनेगा तो आप एवरेज कनेटिक एनर्जी पर मोल यूज करिएगा जिसकी इक्वेशन है थ्री ओवर टू आर टी ओके स्टूडेंट ने सवाल किया मुझे तो थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा ओके ठीक है मोहम्मद जुलकर का सवाल है और मोहम्मद जुलकर का सवाल कुछ ये है आ, ऊपर वाले एम में हमने इसको कैलवन में कन्वर्ट किया बट क्या ये ज़्यादा ईजी नहीं था कि हम आंसर की यूनिट देख के क्वेश्चन सोल्व करते और सेल्सियस में भी सॉल्व करते देखें मैं एक आपको बात बताऊँ ये बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं बेटा मोहम्मद जुलकर नैन होता यहाँ पे यह है कि वो क्या करते हैं कि ज़ीरो डिग्री सेल्सियस ही कंसिडर करते हैं ज़ीरो डिग्री सेल्सियस ही कंसिडर करते हैं कैसे कंसिडर करते हैं वो ये समझते हैं कि अगर वॉल्यूम को ट्रिपल कर दें तो जो आपके पास टेम्परेचर है वो भी तीन गुना बढ़ जाएगा बिल्कुल सही कहते हैं बिल्कुल एक सही कॉन्सेप्ट है कोई गलत नहीं है जीरो तो, तो, तो इसीलिए सबसे पहले प्रॉपर हमें काम क्या करना चाहिए कि पहले हम सेल्सियस को कन्वर्ट कर लें कैलवन में और फिर कैलवन में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर है उसको फॉरन से हम फाइनली और जो हमारे पास जैसा ऑप्शन है हम वैसे ही अपने ऑप्शन पर टिक कर लेंगे नहीं कि सेल्सियस में हमारे पास गिवन होगा ये सेल्सियस के अंदर हमारे पास ऑप्शन है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा हमारे पास कैल्विन के अंदर होगा तो उसका क्या होगा तो इसीलिए हमारे पास सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं शुरू में ही टेम्परेचर को जीरो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेते हैं कैल्विन बिकॉज जब आप यहां पर वॉल्यूम को तीन गुना बढ़ा रहे हो तो अब कैलविन की वैल्यू को आप थ्री से मल्टीप्लाई करा सकते हो लेकिन अगर आप जीरो डिग्री सेल्सियस को थ्री से मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा आपके पास आंसर नहीं आएगा ठीक है और आंसर आपके पास फोर फाइव फोर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो आप सबसे पहले इस तरीके से आप कर सकते हो देर लॉट्स ऑफ एस लेकिन जो एक अप्रोप्रिएट मैथड है जिससे आप ऑप्शन पे पहुंच सकते हो वो ये है आपके सामने जो स्क्रीन पर है ओके अच्छा बात करते हैं यहां पे एवरेज कानेटिक एनर्जी पर मोल ये बराबर होता है थ्री अपॉन टू आर टी के ठीक है इसके अलावा एक और इक्वेशन होती है जो कि स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी प्रेशर की इक्वेशन प्रेशर पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री रॉ वी स्क्वायर बार अब स्टूडेंट यहां पे यह कहता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रॉ रॉ इज द डेंसिटी एंड व्हाट दिस वी स्क्वायर बार स्टैंड ये आपके पास कहलाता है एवरेज स्क्वायर स्पीड ठीक है इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें इक्वेशन को तो हमारे पास पास एक equation बनती है जो कि मैं आपके पास directly लिख रहा हूं. Root mean square speed बराबर थ्री के टी ओवर एम यहां से एक कंक्लूजन तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड सिर्फ दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है अब वो दो क्वांटिटीज क्या क्या है स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड डिपेंड करती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द गैस ठीक है इसका मतलब क्या है कि जितनी हल्के हल्की गैस होगी उतनी उसकी स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है ओके अच्छा जी अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम यहां पर यह करते हैं टेम्परेचर देखिए मैंने अभी आपसे डिस्कस किया और मास ये दो फैक्टर्स आपने नोट कर लिया अब एमसीक्यू सीक्यूस में घुमा के एक सवाल आता है कि बताइए कि अगर हम प्रेशर को या वॉल्यूम को चेंज करें तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है तो तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये बात बता दूं कि अगर हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखते हैं तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू प्रेशर ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती वैसे ही है जो 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 कि मैंने लाइव लाइव लास्ट आपको सेशन दिया था उसमें आपको मैंने बताया था स्पीड ऑफ साउंड तो स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मले में मेरे पास एक फैक्टर आ रहा था अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री मतलब उसमें एक गामा की वैल्यू थी प्रेशर था वॉल्यूम था और डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ डेंसिटी का मेरे ख्याल मास्क एक फैक्टर था जो मैंने आपको ला लास्ट के लास्ट लास्ट सेशन के अंदर बताया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप प्रेशर को डिस्टर्ब करते हो तो वॉल्यूम के ऊपर इसका इनवर्सली अफेक्ट पड़ेगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा इसी तरीके से बात याद रखिएगा कि आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला भी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम भी आता है ठीक है डेरिवेशन के दौरान हमें वो मिलता है तो वहां से हमें ये कंक्लूजन नजर आता है उस फॉर्मूले से कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका कंक्लूजन क्या बना रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम तमाम स्टूडेंट्स को लाजमी ये वाली बात याद रखनी है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम जस्ट इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द मास ओके एक स्टूडेंट का सवाल है सिन्हा का सर अगर आंसर फेर में हो तो कोई मसला नहीं है अगर आंसर आपके पास फेन के अंदर होगा तो आप क्या करेंगे फेर के अंदर आप इस तरीके से करेंगे जो आपके पास सेल्सियस वाली वैल्यू आई है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करा देंगे 32 में तो आपके पास आंसर आ जाएगा फेर में ओके सेना ठीक है अब आ जाइए एमसी नंबर टू बिल्कुल हम टेम्परेचर को फेर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सवेरा हम अपने टेम्परेचर वाली वैल्यू को लाजमी फेन में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन की अवेलेबिलिटी क्या है अगर जिस तरीके से हमसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया था सिन्हा ने कि सर अगर फेन में अगर आंसर होगा तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो एम uh, सी है वो आपके पास उसका राइट ऑप्शन है वो कौन सी यूनिट्स के अंदर आपको गिवन है देन उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को कन्वर्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आपके कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की कुछ आपकी टेक्निक्स यूज़ होंगी और आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है जिसको इन शाह कुछ पास पेपर के अंदर हमें आ, कुछ ऐसे मिलेंगे तो इन आपसे शेयर भी करूंगा ओके okay? एमसीक्यू नंबर एमसी के ऊपर चलते हैं एमसीक्यू नंबर चेक करें क्या है इफ के इज द बोल्डेंट सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज तो देखिए के आपके पास क्या है एक बोल्डमैन कॉन्स्टेंट तो बताइए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर क्या होती है तो देखें मैंने आपके लिए एब्सोल्यूट

कि कौन सी गैस की मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर स्पीड है मैंने आपको कुछ मास का रिलेशन बताया था रूट मीन स्क्वायर स्पीड से और वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं था वो क्या था इनवर्स रिलेशन उसमें मैंने ये बात बताई थी कि जितना मास कम होगा उतनी रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी ज्यादा तो ये बात सब जानते हैं कि अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन सब गैसेस में से कंपेयर करूं तो सबसे कम मास वाली गैस कौन सी यहां भी स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा सबसे कम मास वाली गैस क्या होगी एंड दिस इज़ इज़ द द हाइड्रोजन ओके सो राइट आंसर ऑप्शन सी ओके एमसीक्यू नंबर फोर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ई एट थ्री हंड्रेड कैलमिन क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स एवरेज कार्डिटिक एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कितनी है ई e है थ्री हंड्रेड कैल्बिन पर बताइए कि उसी सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की क्या होगी तो स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं स्टूडेंट ये करते हैं कि ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कंपेयर करवाते हैं स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बता दूं कि यहां पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर तो अभी इन्होंने ये बात बता दी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर सेम है इसका मतलब क्या है जितनी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की होगी उतनी ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन की भी होगी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओके एमसी नंबर फाइव द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बताइए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड गैस के मॉलिक्यूल्स के, के क्या होते हैं अब चार ऑप्शन में से हमें देखने हा भी स्टूडेंट कौन सा जवाब देगा मुझे क्या इज सेम फॉर ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर क्या डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड इट्स टेम्परेचर क्या इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द गैस या डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस तो देखिए मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है मास पर और टेम्परेचर पर ठीक है तो यहां पे जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या होगा ऑप्शन बी इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द टेम्परेचर इसके अलावा वो प्रेशर वॉल्यूम या इसके अलावा जो दूसरे भी कंडीशन है उस पर डिपेंड नहीं करती ठीक है कुछ एम्स यूज कर रहे हैं तो आप उसको देखो और तमाम स्टूडेंट जो हमारे हैं उसके ऊपर जरा गौर करें ठीक है अब जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है थर्मोडाइनेमिक्स ठीक है अब थर्मो की डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस डीलिंग विद द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बेसिकली थर्मोडाइनिक्स के अंदर आप एनर्जी की कन्वर्जन देखते हैं ठीक है और उसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी क्या होती है हीट एनर्जी ठीक है तो इसमें जो वर्ड आ रहा है आपके पास थर्म थर्म का मतलब आपके पास क्या होगा हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास हीट है इट इज

जहां पर आपके पास टेम्परेचर कम होता है मतलब कोल्ड बॉडी की तरफ अच्छा अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर देखिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ इक्वेशन ये होती है कि जो आपके पास हीट एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है या वो कन्वर्ट होती है दो क्वांटिटीज में और वो क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हमें क्या मिलता है वर्क डन

तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है इसका कॉन्सेप्ट है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओके एंड वॉट इज डेल्टा डब्ल्यू इट इज द वर्क डन ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं अगर आप डेल्टा डब्ल्यू को देखें तो बेसिकली डेल्टा डब्ल्यू की मॉडिफाइड इक्वेशन भी यहां पे लिख देता हूं डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के तो तमाम स्टूडेंट्स ने यह वाली भी बात याद रखनी है कि इस इक्वेशन को मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या प्लेस कराएंगे आप पी डेल्टा भी तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी ओके अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर जो कि आपको नजर आ रही है सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है आइसोबैरिक प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है ठीक है आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसके अलावा एडियोबैटिक प्रोसेस में नो हीट इंटर्स और लीव्स फ्रॉम द सिस्टम ये कॉन्सेप्ट मतलब ये आपके पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इन चारों एप्लीकेशंस का आइसोबैरिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल एंड एडियोबैटिक का ओके और इसकी कुछ मैंने यहां पे पिक्टोरियल व्यू भी आप लोगों को दिखाया हुआ क्या आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कब कॉन्स्टेंट रहेगा जब आप इस पतीले के ऊपर ढक्कन नहीं ढकेंगे ठीक है तो प्रेशर खुद ब खुद मेंटेन होता रहेगा कांस्टेंट होता रहेगा ठीक है इसके अलावा आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है मतलब प्रेशर इनसाइड बढ़ता रहेगा लेकिन वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कैसे रहेगा जब आप पतीले के ऊपर ढक्कन बंद रखेंगे ठीक है कि आपके पास वॉल्यूम ना बढ़े मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा ओके आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट किस तरीके से कि आपने पानी को एक ओपन टू एटमोसफेयर रखा हो नीचे से आप गर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास वो साथ साथ क्या हो रहा है कि गर् उसमें हीट एनर्जी तो आ रही है लेकिन हीट एनर्जी बाहर की जाने क्या हो रही है रिलीज हो रही है तो फिर उसके नतीजे में जो इन शॉर्ट जो पूरे सिस्टम का नेट टेम्परेचर है वो एक जैसा रहेगा ठीक है, है और एट प्रोसेस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ना तो हीट इंटर हो सकती है ना तो बाहर जा सकती है मतलब कंप्लीटली इंसुलेटेड मटेरियल यहां पे यूज हुआ हुआ है ताकि हीट एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट ही ना अच्छा इसके साथ साथ मैं कुछ आप लोगों को पे इसकी कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन भी बता देता हूं आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर कॉन्स्टेंट प्रेशर आपके पास होता है तो जो हीट एनर्जी है हीट एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वो बराबर होती है चेंजिंग ऑफ इनथेलपी ऑफ द सिस्टम के ठीक है हीट एनर्जी किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स द चेंज इनपी ऑफ द सिस्टम इसके अलावा आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू के डेट मीनस जो हीट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में कौन से प्रोसेस में आइसोकोरिक प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा क्यू बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू के मतलब जो हीट एनर्जी है वो सिर्फ कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में ओके okay? और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास क्या होगा दैट दे, डेल्टा डब्ल्यू ज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू डेट मीन सिस्टम में या जो सिस्टम वर्क डन करेगा उसके नतीजे में इंटरनल एनर्जी चेंज होगी बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वर्क डन करने से कम हो रही है ओके? ओके, आ, का सवाल है सर टेम्परेचर तो एडियाबाइटिक और एसोथर्मल दोनों में कॉन्स्टेंट होगा ना नहीं बेटा इंटरनल टेम्परेचर की बात की जा रही है मोहम्मद जुल्कन आपके पास जो टेम्परेचर है वो आपके पास इंटरनल सिस्टम के टेम्परेचर की बात की जा रही है तो आप एक टेक्निकल मुझे एक आंसर दें आपके पास एजोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट किस तरीके से क्या आप जो हीट एनर्जी दे रहे हो वो बाहर की जानब रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि आपकी जो हीट एनर्जी है वो तो हो रही मतलब वो यूटिलाइज नहीं हो रही सो डैट मींस टेम्परेचर मेंटेन रहेगा सिस्टम का अब ते हैं हीट का नाम नहीं लिया में आप क्या करोगे? में आप करते हो जिसके नतीजे में गैस के मॉलिक्यूल्स या तो करीब आ सकते हैं और यह बात आप जानते हो कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहती है बढ़ती रहती है और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा उनका टेम्परेचर भी राइज करेगा क्लियर हो गया तो ये वाली बात याद रखनी है कि एडियोबायटिक प्रोसेस में आप वर्क डन करते हो जिसके नतीजे में करीब भी आ सकते हैं दूर भी जा सकते हैं दूर जाएंगे एक्सपेंशन होगी टेम्परेचर कम होगा करीब आएंगे कंप्रेशन होगी और टेम्परेचर राइज करेगा ठीक है सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एडियबायोटिक एंड आइसोथर्मल ओके जुलकर अच्छा अब हम आते हैं ग्राफ के ऊपर ग्राफ भी कुछ इंपॉर्टेंट है इन चारों प्रोसेस के अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो यह बात याद रखिएगा हमेशा कि जो का ग्राफ है वह आपके पास होता है टू इस टू वॉल्यूम वॉल्यूम इट इज के आपको नजर आ रहा होगा कि जो आइसो का ग्राफ है यह आपको बता रहा है कि आपके पास प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है ठीक है तो इसलिए आपके पास क्या है एक हॉरजोंटल लाइन अब आते हैं आइसो कोरिक की तरफ आइसो कोरिक के अंदर आपको यहां पे नजर आ रहा है आइसो कोरिक के ग्राफ में कि जो ग्राफ है आपके पास पूरा कंप्लीटली वर्टिकल है कंप्लीटली वर्टिकल का मतलब यहां यह है कि दैट मीन्स वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है प्रेशर बर्ड तो तभी लाइन वर्टिकल है ओके okay? अब आते हैं आइसोथर्मल और एडियोबैटिक की ठीक है देखें आपके पास जो आइसोथर्मल है आइसोथर्मल के अंदर हमारे पास जो दोनों ग्राफ हैं आइसोथर्मल और के दोनों कर्व हैं ठीक है लेकिन जो आइसोथर्मल है वो आपके पास इतना डिप्रेशन में नहीं है इतना बेंडेड नहीं है तो ये फर्क याद रखिएगा कि आइसोथर्मल और एंटीबायोटिक के ग्राफ्स के अंदर आपके पास कुछ डिप्रेशन का फर्क है एंटीबायोटिक का ग्राफ कंप्लीटली आपके पास नीचे की तरफ बल्ज होता है और आइसोथर्मल का ग्राफ थोड़ा सा आपके पास कर्वी तो होता है लेकिन इतना ज्यादा बल्ज इन नहीं होता जैसा एडियोटिक है ठीक एडियो है थीके? उसके पीछे रीजन ये है कि जो आप वर्क डन करते हैं उसके नतीजे में प्रेशर वॉल्यूम पे आपके पास ड्रेस्टिकली ज्यादा चेंज मिलता है तो इसलिए जो एडियोटिक का जो ग्राफ है वो ज्यादा टिल्ट है ठीक है ज्यादा कड़वी नेचर का है ठीक है ये इसको याद रखने का तरीका है अच्छा अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर सिक्स की तरफ स्टूडेंट देखिएगा एमसीक्यू नंबर सिक्स कंसिडर टू प्रोसेस ऑन सिस्टम एज शोन इन द फिगर दॉल्यूम इन द इनिशियल इन दाइनलो द सेम लेट डेल्टा डब्ल्यू वन एंड डेल्टा डब्ल्यू टू बी दर्क डन बाय दिस्टम इन द प्रोसेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देखिये मैं आपको पूरा एक सीनारियो बताता हूं ठीक है ओके okay, यहां पर आपके पास जो पूरा एम सी क्यू नंबर सिक्स है उस एम नंबर सिक्स में आपसे यह सवाल किया गया है कि यहां पर दो सिस्टम है सिस्टम या दो प्रोसेस है प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स को ठीक है बताइए कि सबसे ज्यादा वर्क डन कौन करेगा प्रोसेस ए में आपको ज्यादा वर्क डन मिलेगा या प्रोसेस बी के अंदर तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आज की क्लास में आपको बात बता दूं कि वर्क डन कैसे निकालते हैं ग्राफ से आप एरिया नोट करें तो अगर आप प्रोसेस ए का अगर आप एरिया नोट करें तो ये इसका एरिया आ गया ठीक है एंड दिस एरिया शोज यू वर्क डन ठीक है दिस एरिया शोज वॉट वर्क डन ठीक है ओके okay. ये आपके पास वर्क डन है अब आ जाइए इस प्रोसेस बी के ऊपर अगर आप प्रोसेस बी की बात करें तो अब चेक करें स्टूडेंट्स यहां पर जो आपके पास एरिया है वो आपके पास ज्यादा है इसका मतलब यह है कि जो आपके पास प्रोसेस बी का जो वर्क डन होगा जो प्रोसेस बी का वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वर्क डन ऑफ ए बिकॉज द एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है प्रोसेस ए का ओके आई गेस कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी तो जरा राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं आपके पास डेल्टा डब्ल्यू वन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास डेल्टा डब्ल्यू वन है वो कम होगा एस कंपेयर टू डेल्टा डब्ल्यू टू से बिकॉज डेल्टा डब्ल्यू प्रोसेस बी है और जो डेल्टा डब्ल्यू वन है प्रोसेस तो कि एंड से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं so right चेक कर लेते हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वर्क डन डब्ल्यू टू इज ग्रेटर डेल्टा डब्ल्यू वन ओके इसके अलावा अलग बर्थ सडनली ठीक है आपके पास साइकिल बर्स हो मतलब जो उसका टायर है साइकिल का वो बर्स हो गया अब स्टूडेंट्स का ये मुझे बताएंगे कि कौन से प्रोसेस से ये जो एप्लीकेशन जो अभी हमने पढ़ी है चार एप्लीकेशन तो ये एग्जाम्पल कौन सी एप्लीकेशन को रिलेट कर रही है देखें आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आप हीट एनर्जी देते हो ठीक है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है एडियाबैटिक के अंदर भी आपके पास हीट एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट है आइसोबैटिक के अंदर भी है सिवाय एडियाबैटिक के अंदर तो एक बात मुझे बताएं आपने ये नोट किया होगा कि जब आपके पास समर सीजन स्टार्ट होता है तो बाइक के या जो आपके पास हैवी व्हीकल्स उसके टायर बर्स्ट हो जाते हैं उसके पीछे रीजन क्या है जो आपके पास जो बाइक का जो टायर होता है वो कार्बन से बना हुआ होता है और कार्बन जो आपके पास कार्बोनेटेड जो आपके पास मटीरियल होता है उसकी कोशिश ये होती है कि हीट एनर्जी एंटर ना हो अच्छा अब सवाल ये रेज होता है कि सर फिर यहाँ पे टायर बर्स्ट क्यों हो गया टायर बर्स्ट होने के पीछे रीज़न ये है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं मतलब जब आपके पास टायर मूव कर रहे हैं, और से सुनिएगा स्टूडेंट्स ये टायर मूव कर रहे टायर के मूव करने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हरकत में आ गए और इनके दरमियान कोलिजन बढ़ गई इसका मतलब क्या है कि आप यहां पे जो वर्क डन कर रहे हो वर्क डन होने से क्या हो रहा है इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आ रही है लेकिन आपने कोई हीट तो प्रोवाइड नहीं की आपने कोई सोर्स तो नहीं दिया लेकिन टायर के रोल करने से क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हैं वो हरकत में आ रहे है, उनके कोलिजन इतनी बढ़ गई कि वो बर्स्ट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वर्क डन की है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की है तो इसका मतलब यह है कि जो आपके पास ऑप्शन है वो क्या होगा द राइट आंसर इज एडियाबैटिक प्रोसेस ओके ओके स्टूडेंट का सवाल है मोहम्मद का सर स्टीम इंजन किस प्रोसेस पे चलता है क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन 2021 में आया था तो देखिए बेटा बेसिकली मैं आपके ये बात कि हमारे पास अभी हम हीट इंजन की तरफ आएंगे हीट इंजन की बहुत सारी टाइप होती है एक आपके पास होता है साइक्लिक और एक आपके पास होता है नॉन साइक्लिक ठीक है अब ये स्टीम इंजन की भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं ठीक है तो उसको हम बारी बारी लास्ट में डिस्कस करेंगे और स्टीम इंजन के अंदर मैं आपके बात बता दूं अगर हम सिर्फ एक इंजन की बात करें मतलब अगर हम कार्नोट हीट इंजन की बात करें मतलब हम फोकस करते हम कंसोलिडेट करते हैं कि अगर सिर्फ हमारे पास कानॉट हीट इंजन हो तो वो चार प्रोसेस पे काम करता है जो कि चार प्रोसेस आपको पता है एक आपके पास दो होते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन और दो होते हैं एक एडियाबाटिक कंप्रेशन और एक आपके पास होता है एडियाबाटिक एक्सपेंशन तो चार प्रोसेस पे आपके पास इंजन काम करता है और इसके अलावा जो आपके पास स्टीम इंजन है तो इन हम इसको अभी फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है सेकंड लॉफ हम अपने टॉपिक्स के पर हैं सेकेंड लॉफ थर्मोडायने की तमाम स्टूडेंट लाजमी दो स्टेटमेंट याद रखिएगा एक कैल्वन और दूसरी क्लोजियस जो कैल्वन स्टेटमेंट है कैल्वन स्टेटमेंट क्या कहती है इट इज इंपॉसिबल टू गेट अंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी और सिस्टम टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट सराउंडिंग आम अल्फाज में आपको समझाता हूँ ये जो आपके पास जो पूरी डेफिनेशन लिखी है इसका मैं कंक्लूजन बताता कंक्लूजन ये है कि आपके पास इंजन आपको वर्क डन देगा जो इंजन है वो वर्क डन देगा आपको लेकिन वो वर्क डन कब देगा जब हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा इस कंपेयर टू कोल्ड बॉडी के मुकाबले ठीक है तो हॉट बॉडी के टेम्परेचर को आप लिख लें टी वन या टी एच भी लिख सकते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसकी हीट एनर्जी है हॉट बॉडी की बात कर रहा हूं वो होगी क्यू वन या उसका दूसरा सिंबल ले सकते हैं क्यू एच तो ये जो टी वन है ये ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी के ठीक है और इसके जो जो कोल्ड बॉडी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है Q2 टू या आप उसको ले सकते हैं क्यू भी ले सकते हैं सी फॉर सी स्टैंड फॉर कोल्ड एंड एच स्टैंड फॉर हॉट ठीक है ना तो आप यहाँ पे इसको कंपेरिजन भी कर सकते हैं क्यू का मतलब हीट एनर्जी ऑफ कोल्ड एंड टी का मतलब टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी और जहां पे एच लिखा हुआ है दिस इज द टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी ऑफ हॉट बॉडी ओके अच्छा तो हम लोग क्या अर्ज कर रहे थे हम लोग यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं कि जो कैलविन स्टेटमेंट है वहां से ये बात सामने आती है क्या आपको हमेशा इंजन तब वर्क डन देगा जब आपके पास टेम्परेचर हॉट बॉडी का ज्यादा होगा एस कंपेयर टू कोल्ड बॉडी के कंपैरिजन में ठीक है लेकिन अगर मिस्टेकनली आप कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या कर दो ऑपोजिट कर दें मतलब कोल्ड बॉडी का ज्यादा कर दें और हॉट बॉडी का टेम्परेचर इनडायरेक्टली कम हो जाए तो ये बात याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू कैलविन स्टेटमेंट वर्क डन नहीं करेगा इंजन ठीक है एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला देखें बेटा अगर आपके पास एरिया अंडर द कर्व अगर आपके पास uh, स्टूडेंट का सवाल है अरीबा का अरीबा का सवाल ये है कि सर अगर हमें एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला है तो देखें बेटा हमारे पास जो स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं या जो स्पेसिफिक रीजन है आप इसको नोट करो ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान आपके पास ये ये ग्राफ प्लॉट हुआ है तो अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लो अब ये आपके पास स्क्वायर ठीक है ना या आपके पास स्क्वायर तो आप स्क्वायर के एरिया का फॉर्मला यूज़ करोगे तो आपके पास पर्टिकुलरली वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी फिलहाल हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू का एक सवाल नहीं था मतलब ये जो सवाल है उसमें तो सिर्फ ये पूछा गया कि वर्क डन किसका ज़्यादा होगा प्रोसेस ए या बी का लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो फिर आप इस तरीके से जैसी शेप बनेगी रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर या जैसी भी आपके पास शेप बनेगी स्क्वायर फॉर्म तो आप उसके एरिया का फॉर्मूला यूज़ करोगे ठीक है सो डेफिनेटली यू विल देन गेट द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू ओके अच्छा अब हम बात करते हैं क्लॉजेज स्टेटमेंट की बस हमारे पास ये खत्म होने वाला है बेटा टॉपिक क्लॉज स्टेटमेंट की आ, मतलब जो कंडीशन है वो कैलविन से थोड़ी सी अपोजिट है क्या कहती है आपके पास क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्लॉजेज स्टेटमेंट ये कहती है इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाईन एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अच्छा अब इसको आम अल्फाज के अंदर किस तरीके से हम इसको कोट करते हैं देखें लिखा जा रहा है कि देखें अगर आपके पास एक गर्म चाय ठीक है ना आपके पास एक गर्म चाय अगर मैंने यहां पे रखी एक रूम टेम्परेचर पे तो वो चाय ठंडी तो हो जाएगी वो हॉट टी कन्वर्ट तो हो जाएगी आपके पास एक कोल्ड टी के अंदर लेकिन वहीं पे रखे रखे ये कोल्ड टी कन्वर्ट नहीं हो सकती हॉट कप ऑफ टी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता जब तक के क्या नहीं करेंगे वर्क डन नहीं करेंगे ठीक है या वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोल्ड बॉडी कभी भी कोल्ड बॉडी कभी भी आपके पास हॉट बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो सकती जब तक कि आप क्या नहीं करेंगे आप वर्क डन नहीं करेंगे ओके okay. uh, <coughs> सर हॉट uh, uh, लिखा हुआ है सर हॉट बॉडी इंजन हॉट बॉडी इंजन एंड टायर्स आर कोल्ड बॉडी एम आई राइट देखिए बेटा बेसिकली जो आपके पास कोल्ड बॉडी है उसको हम कहते हैं सिंह अगर आपने कोल्ड बॉडी को अगर रिफ्लेक्शन देनी है तो जो आपका सराउंडिंग है अगर आप अपनी सिंह टेक्स्ट बुक के अंदर देखें ना तो जो आपके पास जो सराउंडिंग है वो बेसिकली आपके पास कोल्ड बॉडी से आप उसको रिफ्लेक्शन देते हो कि कोल्ड बॉडी इज योर सराउंडिंग ठीक है तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी कोल्ड बॉडी के अच्छा अब हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक है हमारे पास ये हीट इंजन का हीट इंजन के अंदर आपके पास जो हीट इंजन है इसके अंदर आप कार्नोट हीट इंजन को पढ़ते हो और कार्नोट हीट इंजन काम करता है कार्नोट साइकिल के ऊपर ठीक है और कार्नोट साइकिल आपके पास क्या है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ठीक है ना रिवर्सिबल प्रोसेस और मैं तमाम स्टूडेंट्स को यह बात बता दूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ये वाला पॉइंट लास्ट में याद रखिएगा कार्नोट साइकिल के चार प्रोसेस होते हैं ठीक है मैं तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं एक आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन देन एक्सपेंशन देन थर्ड वन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड द फोर्थ वन इज इस कंप्रेशन इस इसका जो एरिया अंडर द कर्व है स्टूडेंट्स अरीबा और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स ने सवाल किया था एरिया अंडर द कर्व तो ये एरिया अंडर द कर्व आपको एक यूजफुल वर्क डन देगा ठीक है यूजफुल वर्क डन विच इज योर आउटपुट विच इज द आउटपुट ओके और इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आप क्या करते हो हीट ऐड करवाते हो और आपके पास जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है वहां से हीट एनर्जी बाहर की जानेब रिलीज होती है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके okay? और आखिरी आपके पास फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वन माइनस टी अपॉन टीएच ये आपके पास फॉर्मूला है

और अगर आप 10 परसेंट उसमें इंक्रीमेंट कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा आफ्टर 10 इंक्रीमेंट इट विल बिकम 220 ट्वेंटी और जो आपके पास कोल्ड बॉडी है उसका अज्यूम करते हैं टेम्परेचर हंड्रेड है और आपने 10 उसमें इंक्रीमेंट किया तो आपके पास क्या हो गया वन वन टेन अब मैं एफिशियंसी निकालता हूं दोनों कंडीशन पर अगर मैं पहली कंडीशन पर एफिशंसी निकालूंगा तो फॉर्मुला बन जाएगा मेरे पास वन माइनस टीसी की वैल्यू मेरे पास कितनी हंड्रेड

और ये वैल्यू भी कितनी आएगी वन माइनस वन पॉइंट टू आता है जीरो पॉइंट फाइव विच इज फिफ्टी परसेंट तो बताइए कि अगर आप टेन परसेंट इंक्रीमेंट करते हैं किसमें सोर्स और सिंक के दोनों के टेम्परेचर्स में तो एफिशियंसी में कोई फर्क नहीं होता सो द राइट आंसर इज इट विल रिमेन सेम स्टूडेंट्स तो ये मैंने मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया आपको ठीक है कि अगर आपके पास एफिशिएंसी दोनों में इंक्रीज कर दें तो आपके पास क्या होगा कि एफिशिएंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इट विल रिमेन सेम ओके स्टूडेंट का एक सवाल है यहाँ पर थोड़ा सा अगर पे पे स्क्रीन पर आ जाइए व्हाट नॉट डस ओके बेसिकली स्टूडेंट का सवाल है के का, का मतलब क्या है बेसिकली ये आपके पास कार्नोट हीट इंजन एक साइंटिस्ट ने जो जिसका नाम था सादी कार्नोट सादी कार्नोट ने इसको डिजाइन किया था दिस इज द आइडियल हीट इंजन और उसने अपने नाम से इसको रिप्रेजेंट किया था अपना नाम दिया था इस इंजन को विच इज द कार नॉट हीट इंजन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आर टूडे सेशन ओके होपफुली बेटा आपको तमाम स्टूडेंट्स को मेरे व्यूवर्स को ये सेशन पसंद आया होगा इस सेशन के अंदर और जो इसके टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको क्लियर किए जो कि पीएमसी के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है तो लाजमी तमाम स्टूडेंट्स ने मकसद की ऐप को मकसद के लाइव सेशन को भूलना नहीं है उसको डाउनलोड करना है लाइव सेशन देखने हैं और बाकायदगी से क्लासेस लेनी है ठीक है ताकि आपका मोमेंटम बना रहे और आपके अच्छे मार्क्स आ सके आपके फ़ाइनल टेस्ट के अंदर तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अपने टीचर को इन शाला लाइव सेशन में मुलाकात होगी टेक केयर अल्लाह हाफ़